In an unique initiative for the specially abled girls, Bhubaneswar played host to a beauty pageant held for visually impaired girls. Out of the 14 participants selected in the age group of 18 to 30 years, some of the girls were fully visually blind, while some of them were partially blind. Jhumri Biswal bagged the title of Miss Odisha, Snehpra Balenka won the title of Miss Prince, while Sandhya Rani Patri was the runner-up in the competition. After 15 days of rigorous training, the top 4 contenders will be sent to Mumbai for Miss India contest. हम लोग बहुत बहुत खुश हैं। ये जो रैंप शो हमको दिखाना था और इधर जो ये ड्रेसेस हमको पहना दिया है तो ये हम लोग पहले से नहीं करते थे। इधर आकर हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। एक्सपेक्ट करती हूँ कि मुझे भी मिस इंडिया मिल जाएगा। इनके लिए तैयारी था कि इनको सबसे पहले राजी कराना, क्योंकि इनके घर के लोग राजी नहीं होना चाहते हैं, बहुत ऑर्थोडॉक्स परिवार से होते हैं, बच्चियों को अकेला कहाँ छोड़ेंगे, क्योंकि वो किसी ना किसी के ऊपर निर्भर रहती हैं, ट्रेनिंग पे कैसे भेजेंगे। तो उनके माँ बाप को राजी कराना, उनको राजी कराना, उसके बाद जब वो यहाँ पे आई तो उनको तो पता ही नहीं रैंप क्या होता है, चलना क्या होता है, कपड़े कैसे पहने जाते हैं, तो उनके ऊपर काफी काम करना पड़ा और उनको जैसे जैसे सिखाया, और इट्स वेरी एस्टोनिशिंग मी कि उनको जितना हम सिखाए उससे ज्यादा वो सीख के, उससे ज्यादा उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है। द पेजेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट ब्रांच ऑफ द नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड वाज हेल्ड एट द वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड।